अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर फॉर हिस्ट्री क्लास 8 एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर रिकन्सिलिएशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस टॉपिक का मतलब ये है कि सर सैयद अहमद खान ने फिर किस तरह से रिकनसाइल किया मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स को, मतलब मुसलमानों और अंग्रेज़ों को वो किस तरह से करीब लेकर आए। और ये इसलिए ज़रूरत थी सर सैयद अहमद खान की इन कोशिशों की क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ एक बुरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, जॉब से निकालना शुरू कर दिया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए थे, पर्शियन लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और उसकी मेन रीज़न थी कि अंग्रेज़ मुसलमानों को कसूरवार ठहराते थे, एक्यूज़ करते थे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुसलमानों का हाथ था या रिवोल्ट जो था वो मुसलमानों ने किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 17, 1817 एट दिल्ली इन अ नोबल फैमिली। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 में 17 अक्टूबर को, और उनका जो ख्याल था सर सैयद अहमद खान का, उनका जो मेन मकसद था, मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि वो अपना स्टेटस और प्रेस्टीज वापस हासिल कर सकें। प्रेस्टीज होता है अपनी इज्जत, अपना स्टेटस हासिल दोबारा कर सकें। और उनकी मेन मकसद ही ये था कि वो मुसलमानों को इस तरफ लेकर आ सकें एजुकेशन की तरफ, क्योंकि वो मुसलमानों से प्यार करते थे, क्योंकि वो ख़ुद भी मुस्लिम थे। सो ही लव्ड हिज नेशन एंड ही कुड नॉट सी द बैड कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स। वो डेफिनेटली अपने कौम के बुरे हालात नहीं देख सकते थे। और सर सैयद अहमद ख़ान ये भी जानते थे और ये समझते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी या इस मौके पे ब्रिटिशर्स को नहीं हटा सकते ताकत से या पावर से गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ताकतवर थे इस टाइम। तो उसके लिए सर सैयद अहमद खान के माइंड में कुछ आइडियाज़ थे जो वो समझते थे अगर वो उन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो शायद मुसलमानों के हालात बेहतर हो सकते हैं। और इधर लिखा है ही बिलीव्ड इन ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़। ट्रिनिटी मीन्स तीन चीज़ें, ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री थिंग्स। नंबर वन, वो चाहते थे मुसलमान लॉयल हो जाएँ ब्रिटिशर्स के साथ, वफादार हो जाएँ अंग्रेज़ों के साथ। नंबर टू, वो चाहते थे मुसलमान एजुकेशन की तरफ अपनी डिवोशन करें, डिवोट हो जाएं और तालीम हासिल करें सही तौर पे। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से दूर रहें। तो तीन चीज़ें क्या थी कि अंग्रेज़ों के साथ वफादार रहें, एजुकेशन हासिल करें और पॉलिटिक्स से दूर रहें। और यही एक रास्ता था जो सर सैयद अहमद ख़ान को उस वक्त समझ आ रहा था। इसके बाद जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इनका एक पम्फलेट बहुत मशहूर भी हुआ था जिसका नाम है कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, जिसको उर्दू में असबाब बगावत हिंद कहते हैं। असबाब होता है रीज़न, बगावत होता है रेबल करना, रिवोल्ट करना, और हिंद इंडिया के लिए है। सो कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इनका एक पम्फलेट जारी हुआ था जिस पम्फलेट में उन्होंने कोशिश की थी ये बताने के लिए कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि अंग्रेज़ समझते थे, ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि मुसलमानों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जबकि सर सैयद अहमद खान ये बताना चाह रहे थे कि ना सिर्फ उसमें मुसलमान बल्कि तमाम दूसरी कम्यूनिटीज़ भी शामिल थी, पर मुसलमानों को हिट लिस्ट पर रखा गया और समझा गया बस मुसलमान ही शामिल थे। तो इसमें उन्होंने जो रीज़न्स दी कि क्या वजूहात बनी, अगर ये रिवोल्ट हुआ भी था, मुसलमान उसमें कुछ शामिल भी थे, तो इसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स बनी। तो सबसे पहले वो रीज़न कहते हैं, द रियल कॉज ऑफ वॉर ऑफ 1857 वॉज द अनअवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश विद द नेटिव आइडियाज़ एंड ट्रेडिशंस। वो कहते थे क्योंकि अंग्रेज़ मुसलमानों के आइडियाज़ और ट्रेडिशंस और कल्चर को नहीं समझते और इन दोनों के दरमियान एक गैप है दोनों कम्युनिटीज़ का, इसी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। नंबर टू, वो कहते हैं नेटिव स्पेशली मुस्लिम्स वर हर्ट बाई सम स्टेप्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर कुछ ऐसे इकदाम हुए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ हुई, जो ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से, आगे कहते हैं, द ब्रिटिश हैड एक्सप्लॉयटेड रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स एंड देयर मैल ट्रीटमेंट विद मुस्लिम्स एडेड फ्यूल टू द फायर। और फिर कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए जिससे मुसलमानों के मज़हब को भी नुकसान पहुंचा और ऐसा ट्रीटमेंट किया गया जो कि गलत तरीके से ट्रीट किया गया मुसलमानों को, विच एडेड फ्यूल टू द फायर। ये इसी तरह था जिस तरह आग के ऊपर तेल छिड़कना था। आगे वो बता रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान सैड दैट हिंदूज़ वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो सर सैयद अहमद खान ने ये भी बताने की कोशिश की कि मुस्लिम्स सिर्फ शामिल नहीं थे बल्कि हिंदूज़ भी इक्वली शामिल थे, पर आपने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इनको एक्यूज़ नहीं किया, सारा जो मलबा था वो मुसलमानों पर डाल दिया कि जी मुसलमान ही इसमें सारा हर तरह से शामिल थे।
और इसी तरह से ये भी बताने की कोशिश की सर सैयद अहमद ख़ान ने कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो हार्श ट्रीटमेंट है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरह से आप हिंदूज़ को नौकरियां दे रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स दे रहे हैं, तो मुसलमानों को भी दें, उनके उनसे ये चीज़ें छीने नहीं। इसके बाद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया वो था मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के हवाले से, कि उनकी दोनों कम्युनिटीज़ को मज़हबी तौर पे उन्होंने कोशिश की कि हम वो करीब लेकर आ सकें। उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियंस की किताब है बाइबल और मुसलमानों की किताब है होली कुरान, ये दोनों इल्हामी किताबें हैं, आसमान से उतरी हैं, अल्लाह से, अल्लाह के थ्रू रिवील हुई हैं। तो इसी वजह से इन दो कम्युनिटीज़, इन दो रिलीजियस ग्रुप्स को ज़्यादा करीब होना चाहिए बनिस्बत हिंदूज़ के। तो ये एक जो आर्ग्यूमेंट सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया, इसकी वजह से एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी मुसलमानों को हासिल हुआ ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसके बाद एक और पम्फलेट जारी किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिसका नाम था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। लॉयल कहते हैं वफ़ादार, मोहम्मदन्स उस ज़माने में सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ ये टर्म यूज़ करते थे मुसलमानों के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं या अंग्रेज़ जो हैं वो मुस्लिम की टर्म या मुसलमान की टर्म नहीं यूज़ करते थे, वो ज़्यादातर मोहम्मदन्स की टर्म यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसीलिए फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए एक पम्फलेट जारी किया, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब है इंडिया के वफ़ादार मुसलमान। और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम आपके ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि आपकी ही आर्मी में हमारे कुछ मुसलमान थे जिन्होंने आपको बचाया है, डिफेंड किया है। और इन्हीं कोशिशों की वजह से, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी कोशिशें की, इसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट भी आई। दोबारा से जो लॉस्ट स्टेटस था मुसलमानों का, वो उनको वापस अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में मिलना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल फील्ड में, फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या उनकी सर्विसेज थी। तो नंबर वन, पहला उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट इकदाम था वो मुरादाबाद में उन्होंने स्कूल ओपन किया था 1859 के अंदर, और वो ऐसा स्कूल था जिसके अंदर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में भी दी जा रही थी और पर्शियन लैंग्वेज में भी दी जा रही थी। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से, सर सैयद अहमद ख़ान हमेशा ये बिलीव करते थे कि मुसलमान तब तक तरक्की नहीं कर सकते सब कॉन्टिनेंट में जब तक वो साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने जो अपने स्कूल्स बनाए उनमें वेस्टर्न एजुकेशन भी थी, मॉडर्न एजुकेशन भी थी, और साइंटिफिक एजुकेशन भी वो इम्पार्ट कर रहे थे। इसके बाद सेकंड स्कूल उन्होंने ओपन किया था गाजीपुर में 1862 के अंदर, और इसी तरह फिर 1863 के अंदर उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई थी, जिसके अंदर जो बुक्स हैं वो इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेट की जा रही थी। जब ये सारे एक्शंस किए जा रहे थे और ये स्टेप्स लिए जा रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से, तो उनमें कुछ हिंदूज़ भी थे जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को सपोर्ट किया, जिसमें से एक फेमस राजा जी किशन हैं जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के इन स्टेप्स को सपोर्ट किया। इसके बाद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने फील्ड ऑफ एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया वो था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, एक जर्नल जारी किया। जर्नल एक मैगज़ीन की तरह होता है, और उस मैगज़ीन के अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे वो पब्लिश किए जाते थे। 1866 के अंदर ये पब्लिश होना शुरू हुआ, और ये तब तक पब्लिश होता रहा जब तक सर सैयद अहमद ख़ान ज़िंदा थे, और सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ 1898 में हुई थी। तो ये जो जर्नल था, इसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि आर्टिकल्स किस किस्म के थे, सोशल माशरे के बारे में, एथिकल एथिक्स के बारे में, साइंटिफिक साइंस के बारे में, और पॉलिटिक्स सियासत के बारे में मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स थे। और इन आर्टिकल्स का और इस जर्नल का मकसद ही ये था कि लोगों के माशरे में अच्छी तब्दीली आ सके, मतलब सोशल रिफॉर्म्स लेकर आई जा सके, और दूसरी चीज़ थी एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और लोग फिर वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू करें। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल भी बनाया, ये बड़ा फेमस है, एमएओ कॉलेज जिस तरह लाहौर में भी है, इसी तरह से अलीगढ़ में भी एक बनाया गया। तो वो हाई स्कूल 24 मई 1875 को बना। उसके जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल थे वो मौलवी समीउल्लाह थे, और इसी के 2 साल बाद इसी हाई स्कूल को अपग्रेड करके कॉलेज का लेवल दे दिया गया। और इसी के बाद 1876 में जब सर सैयद अहमद ख़ान अपनी इस गवर्नमेंट जॉब से, उन्होंने जब उनकी रिटायरमेंट हासिल हुई, तो फिर इन्होंने खुद ये स्कूल और इस कॉलेज को देखना शुरू कर दिया, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को 74 एकड़ का ज़मीन की भी दी थी,
और दिस कॉलेज बिकेम मोस्ट पॉपुलर अमंग द मुस्लिम्स, और ये कॉलेज डेफिनेटली मुसलमानों के यहाँ बहुत मशहूर भी हो गया। और जितने भी अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काफ़ी सारे लीडर जो थे वो इन कॉलेज और फिर ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी यहीं से पढ़ के निकले थे। तो मैनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर इस्टेब्लिश्ड इन पंजाब, सिंध, NWFP, और फिर दूसरे सूबों में भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने। और यही फिर ये जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। मैंने जैसे आपको बताया सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई थी 1898 में, तो ठीक उनकी डेथ के 22 साल बाद 1920 में यही MAO कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर सैयद अहमद ख़ान एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो उन्होंने माशरे में किस तरह की तब्दीलियाँ या बेहतरी लेकर आए उसके बारे में है। सर सैयद एज अ सोशल रिफॉर्मर टुक मैनी यूजफुल स्टेप्स। ही सक्सीडेड टू रिकनसाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इंडियन मुस्लिम्स बाय रिमूविंग मैनी हर्डल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो डेफिनेटली सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने पम्फलेट्स के थ्रू और डिफरेंट जो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले उसके थ्रू उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो। सर सैयद एम्फेसाइज्ड ऑन अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर एंड एडवाइस मुस्लिम्स टू यूज़ स्पून्स फॉर ईटिंग। सर सैयद अहमद ख़ान के इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारे हिस्टोरिकली हिस्टोरियंस जो हैं वो तनकीद भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि उस टाइम में सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि आपको वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जो आपका खाना है उसको स्पून से खाने की ज़रूरत है, इवन इसके साथ वो कहते थे कि पेंट कोट पहनने की ज़रूरत है, टाई पहना करें। तो वो इस पर थोड़ा सा जो उस ज़माने के मुसलमान थे और इवन कुछ हिस्टोरियंस आज भी इस बात पर सर सैयद अहमद ख़ान पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट एनी हाउ आज हम सारे लोग स्पून से खाना खाते हैं और काफ़ी हद तक हम लोग जीन्स और वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। तो उस टाइम में सर सैयद अहमद ख़ान की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, जबकि आज सब लोग ये काम करते हैं। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनल सिंपथी एंड नेशनल वेलफेयर अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक नेशनल सिंपथी और नेशनल वेलफेयर कौमी सोच उन्होंने उजागर की मुसलमानों में जो इंडिया के उस टाइम में थे। सर सैयद इन इज़ बुक लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया इनमरेटेड वेरियस सर्विसेज ऑफ मुस्लिम्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क द ब्रिटिश टू चेंज इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स मुस्लिम्स। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था जो लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया था उसमें उन्होंने कोशिश की थी बताने की कि मुसलमान कितने लॉयल हैं इंडियन ब्रिटिशर्स के साथ जो इंडिया के मुसलमान हैं। और इस ये कोशिश उनकी ये भी थी उनसे उनको गवर्नमेंट को समझाने की कि अपना एटीट्यूड अब मुसलमानों के तरफ तब्दील करें क्योंकि मुसलमान जो हैं वो लॉयल हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ओपन्ड अ फ्रंट अगेंस्ट मुस्लिम्स। ही अर्ज्ड ऑन बोथ नेशंस टू चूज कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। ही क्लेम्ड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एज टू इशूज़ ऑफ वन मैसेज। ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ही रिप्लाइड द बुक लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय विलियम मॉयर थ्रू लेक्चर्स विच वर लेटर ऑन प्रिंटेड इन बुक शेप अंडर द टाइटल खुतबात अहमदिया। फिर उन्होंने जो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि एक विलियम नाम के एक शख्स ने किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, और फिर उसके बाद खुतबात अहमदिया के नाम से सर सैयद अहमद ख़ान ने उसका जवाब दिया था। तो उन्होंने कोशिश की थी कि वो बताना ये चाह रहे थे कि क्रिश्चियंस और मुसलमानों को लही नहीं लड़ना चाहिए, ये दोनों इल्हामी रिलीजन्स हैं और अल्लाह की तरफ से रिवील हुई हैं इनकी बुक्स बाइबल एंड कुरान मजीद। सो बेसिकली उनकी कोशिश ये थी सर सैयद अहमद ख़ान की कि जिस तरह से क्रिश्चियंस अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं कुछ मिशनरीज़, तो वो उनकी कोशिश थी कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। लेटर ऑन सर सैयद ऑल्सो गॉट हिज़ बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ये खुतबात अहमदिया को बाद में उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था। इन हिज़ बुक तबय्यनुल कलाम ही कंपेयर्ड होली कुरान एंड होली बाइबल एंड प्रूव्ड दैट बोथ आर डिवाइन बुक्स एंड हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। उनकी एक बहुत ही फेमस हुई थी किताब तबय्यनुल कलाम के नाम से, जिसमें उन्होंने बेसिकली बाइबल और होली कुरान के जो अहकामात हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश की थी और कॉमनैलिटीज निकाली थी उन्होंने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में क्या क्या कॉमन है। इसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान ऑल्सो पुट एफर्ट्स फॉर रिलीजियस एजुकेशन। ही एस्टैब्लिश ऑर्फन हाउस एंड स्कूल फॉर मुस्लिम्स इन मुरादाबाद। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुरादाबाद में उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था और माशरे की बेहतरी के लिए उन्होंने एक ऑर्फन हाउस भी खोला था। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।